खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज अंबेडकर नामा पर हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव। पंजाब और हरियाणा कवर करते हैं और दोनों प्रदेशों की राजनीति पर इनकी पैनी नजर होती है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। इस एपिसोड में हम पंजाब पे बात करने वाले हैं, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है, क्या बीजेपी आरएसएस को इनसे खतरा हो सकता है, या जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि ये आरएसएस की बी टीम है, क्या है मसला, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब में सरकार बन चुका है, 10 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उसमें से 4 दलित हैं, 5 राज्यसभा के मेंबर भी पंजाब से आने हैं और उसमें से धनाढ्य ज्यादा है, न महिला है न दलित है। इसके मायने क्या हैं? फोटोग्राफ अंबेडकर और भगत सिंह के लग गए हैं, क्या हैं इन तमाम पहलुओं के मायने, ये सब इनकी नजर से जानेंगे। जमीनी पत्रकार हैं, एक एक चीज पर बारीक नजर रखते हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ क्या किसी तब्दीली के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तमाम मसले हैं संजीव जी से जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी पूरा वीडियो सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या है पंजाब से, आप तो बारीक नजर रखते हैं, पूरा बल्क में लोगों ने वोट किया है, जात पूरे दलित भी बल्क में वोटिंग किया है, सब समाज ने वोटिंग किया है, और बाबा साहब के और भगत सिंह के फोटो भी लग गए हैं ऑफिस, क्या है मायने, जरा समझाइए। देखिए, जो पंजाब में जो 3-4 चीजों पे पंजाब में इस समय एक बहस हो गई है जी। पहले तो एक महत्वपूर्ण बहस ये हुई कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में और सरकारी कार्यालयों में इन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो इन्होंने लगाया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाने के बाद एक तमाम बहस छिड़ी। और चूंकि ये एक ऐसा एक मुद्दा है जिससे सहज ना कांग्रेस है ना सहज भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो दोनों की राजनीति पे ये चोट करने वाली एक आम आदमी पार्टी की रणनीति है। दूसरी बहस शुरू हो रही है इस बात पर हो रही है कि एक करप्शन को लेकर एक नंबर मुख्यमंत्री ने जारी किया है और कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पे थाने में, तहसील में और कहीं भी नगर निगम कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर आपको करप्शन से लेकर आपसे कुछ डिमांड किया जा रहा है तो आप इस पे शिकायत भेजिए, अगर कोई वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना के भेजिए। तो इस पे एक वहाँ पे बहस चल रही है कि कितना ये प्रभावी होगा। तीसरी एक जो बहस है कि आम आदमी पार्टी ने मंत्रिमंडल के गठन में जो 10 मंत्री बनाए उसमें पहली बार 4 दलित मंत्री 10 में से बने हैं, 40% पार्टिसिपेशन है इसमें। अगर मंत्रियों की संख्या देखी जाए तो अभी 5-7 मंत्री और बन सकते हैं, अब उसमें किनको किनकी भागीदारी होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन दलित आबादी 31% पंजाब में है, लेकिन उन्होंने फिलहाल मंत्रिमंडल के गठन में 40% की भागीदारी उनकी तय की है। और विधानसभा जो अध्यक्ष है वो भी पिछड़ी जाति से हैं, यानी जैल सिंह के ब्रदर के पोते हैं, ज्ञानी जी के ही रिश्तेदार में पोते हैं ज्ञानी जैल सिंह के, मिस्टर कुलतार सिंह संधवा, वो पिछड़ी जाति से हैं, बढ़ई जाति से हैं। और एक जो बहस चल रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बहस है, जिसपे सोशल मीडिया में बहुत तमाम बहस हो रही है, कि आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यसभा के सदस्य भेजे, उसमें 2 बड़े उद्योगपति को उन्होंने भेजा है। जैसे दिल्ली से भी राज्यसभा की जब टिकट देने की बात आई थी और जब फैसला लिया था तो उसमें भी उद्योगपति जो थे आम आदमी पार्टी के पसंद थे। तो पंजाब में जो 5 भेजे हैं उसमें से चलिए 2 तो, एक तो पॉलिटिकल दिल्ली से सक्रिय हैं राघव चड्ढा, दूसरे जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं जो मिस्टर पाठक हैं, लेकिन जो 2 जो है, एक मिस्टर अरोड़ा और एक जो लवली यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं जलंधर में, इन दोनों के लेकर तमाम विवाद हैं। क्योंकि ये विवाद इसलिए भी है कि देखिए, आम आदमी पार्टी मुफ्त शिक्षा, सरकारी यूनिवर्सिटियों को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, सस्ती शिक्षा की वकालत की बात वकालत करती रही है और उसको ये जनता के सामने अपने एक इम्पोर्टेंट एजेंडा बताते रहे हैं, लेकिन इन्होंने राज्यसभा में उस व्यक्ति को भेजा है जो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा पक्षधर है, और उन्होंने दिल्ली में पहले लॉबिंग भी करी है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के पक्ष में लॉबिंग करते रहे हैं वो, और
जो देश में पहले जो कुछ गिने चुने अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो जिनका अच्छा एक मतलब कैंपस है उसमें से एक उनका नाम आता है। हालांकि जब इनको लवली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए परमिशन पंजाब विधानसभा में इनके लेकर जब बिल आया था तो उस समय पंजाब विधानसभा के जो बहुत बड़े नेता थे वीर देवेंद्र सिंह, उन्होंने बड़ा तमाम सवाल उठाए थे कि आप किसको ये यूनिवर्सिटी बनाने का अनुमति, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको अनुमति दी थी उस जमाने में। और इनकी एक बेसिकली लवली स्वीट्स होता था, इनकी मिठाई की दुकान होती थी जलंधर में, फिर उसके बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। अब ये इस बात को लेकर, देखिए इस बात को लेकर बहस एक वाजिब है कि राज्यसभा में दलित क्यों नहीं, और राज्यसभा में हरभजन सिंह शायद पिछड़ी जाति से है, शायद नहीं लेकिन लेकिन हाँ पिछड़ी जाति से ही है, लेकिन हरभजन सिंह भी सेलिब्रिटी है, उनको पिछड़ी जाति में आम पिछड़ी जाति नहीं मान सकते हैं, तो आम क्यों नहीं राज्यसभा में, पांच में से एक भी आम नहीं, सब खास है, सब खास है। हाँ, तो ये एक विवाद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी के एक कंपल्सन है, प्योर आइडियलिज्म पे तो कोई पार्टी चलती नहीं, और कहीं ना कहीं इस मामले में फंडिंग की भी बात है कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग की समस्या रही है या फंडिंग की समस्या इन्होंने दूर करी होगी, जब पीछे जैसे दिल्ली में भी जब राज्यसभा की पसंद थी तो पार्टी इनको चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए, तो ये कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने चुनावों के दौरान, पंजाब चुनाव के दौरान जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन है उस पर फंडिंग का इफेक्ट है, कि कहीं ना कहीं उनको फंडिंग पार्टी को की गई है तो फिर उसके एवज में उनको रास्ता, देखिए कोई भी जो फंडर होता है उसके दो स्वार्थ होते हैं, या तो भाई हमें कोई आप राजनीतिक पोस्ट दोगे, राजनीतिक पोस्ट किसी भी फंडर इंडस्ट्रिस्ट के लिए होता है राज्यसभा और लोकसभा, और या तो कि पॉलिसी डिसीजन में कोई ऐसा फैसला लोगे जिससे हमारे को फायदा हो, अनुचित उचित सारे लाभ हो, सिर्फ फायदा ही नहीं अनुचित फायदा, 100-200-500 करोड़ रुपए अगर किसी पार्टी को दे रहा है तो उसमें अनुचित फायदे की तो बात होती ही होती है, उचित फायदे तक वो मामला नहीं रहता है जी। तो ये एक कहीं ना कहीं मैटर रहा होगा फिलहाल। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम पार्टियां ये फॉर्मूला अपनाती रही है, आम आदमी पार्टी उससे कोई अलग नहीं दिख रही है। राज्यसभा सामान्य रूप से पिछले दरवाजे से घुसने का एक सदन है, और आप देखते होंगे कि तमाम पार्टी जो है बड़े लीडर को वहां से वहां एडजस्ट कर दिया, वहां से वहां एडजस्ट कर दिया, और आप देखिए हो कांग्रेस में भी G23 का विद्रोह है तो उसमें कई राज्यसभा ही हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि राज्यसभा कहां से मिले और हम कहां जाएं, ये ऐसा इसके पीछे भी मतलब कहा जा रहा है कि जो विद्रोह है उसके पीछे ये भी है कि आम आदमी पार्टी को प्रभावित करने का अपनी तरफ आकर्षण ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, या बीजेपी की तरफ ही ध्यान आकर्षित कर रहे हो कि आगे जब टेन्योर खत्म हो तो इनको मिल जाए। तो पंजाब में लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो पंजाब से आ रही है अभी फिलहाल दो दिन, देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस, दो तीन इन्होंने फैसले लिए हैं कि जैसे जो संविदा कर्मी थे ठेके पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे उनको ये पक्का करने का इन्होंने घोषणा करी है। हालांकि उस पर विवाद भी है कांग्रेस का भी है कि तो हम कर चुके थे, लेकिन वो तो चुनावों से ठीक पहले किए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बात हो सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा जो है ये कि अब जो मसला आएगा इनको शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जो इनके एमएलए हैं वो एक्टिव हैं, वो स्कूलों में भी जा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में भी जा रहे हैं, एम्बुलेंस को भी चेक कर रहे हैं, और बाकायदा शालीन भाषा में उनको समझा रहे हैं कि आप इसको ठीक करो, और जो आउटसोर्स अगर है स्वास्थ्य कई जगह आउटसोर्स है, जैसे एम्बुलेंस आउटसोर्स है, एम्बुलेंस सर्विसेज आउटसोर्स है, टेस्टिंग आउटसोर्स है, ब्लड टेस्टिंग आउटसोर्स है हॉस्पिटलों में, या सफाई आउटसोर्सिंग है, तो इन्होंने कहा है कि वो सिर्फ ये नहीं होगा कि आप बिल लेते जाओ और यहाँ हॉस्पिटल में कोई काम ना दिखे, तो इस तरह के काम अभी शुरुआती दौर में कर रहे हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या ये शुरुआती एक दिखाने के लिए है, बाद में सब वैसा ही चलेगा, इसके लिए हमें 6-8 महीने का प्रतीक्षा हमें करनी पड़ेगी, एक साल करनी पड़ेगी कि ये क्या करना चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हाँ ये एक चीज है कि 2-3 दिनों में ये जरूर नजर आया है कि जनरली क्या होता है कि जो तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता है, मेन तो थाने में वसूली होती है, क्योंकि ये वसूली ऊपर तक जाती है, ये हर राज्य में होता है, पंजाब अपवाद नहीं है, ये हर राज्य में पुलिस वसूली का एक बहुत बड़ा केंद्र है, थाने में से वसूली होती है, ऊपर तक पैसे जाते हैं, वो ऊपर तक एक सिस्टम होता है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक थानेदार से लेकर SSP से लेकर IG से लेकर DG से लेकर ऊपर जो पॉलिटिकल बॉसेस जो इनके होते हैं वहां तक पैसे जाते हैं, तो पंजाब इसका अपवाद नहीं है। वो फिलहाल 2-3 दिनों से ये मतलब कि निचले लेवल पे है कि कोई थानेदार किसी के साथ धक्का नहीं कर रहा है, कोई पैसे नहीं मांग रहा है, सामान शिकायतें सुनी जा रही है, तहसील कार्यालयों में कोई आदमी जा रहा है तो वहां दलाल नजर नहीं आ रहे हैं छोटे मोटे कामों के लिए। सबसे बड़ी जो थाने जो तहसील कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है वो है
जमीनों के रजिस्ट्रियों के दौरान या संपत्ति के खरीद बिक्री के दौरान जो एक परसेंटेज बना हुआ है तहसीलदार के पास, तो पंजाब में जैसे है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं तो फिक्स्ड उसका 1 लाख रुपया है, मतलब एक करोड़ का 1 लाख 1% हो गया, 1% फिक्स है, चाहे आप जितना सिफारसी हो, मतलब कि दिन भर, मतलब कि कोई अगर बहुत बड़े अधिकारी हो या कोई जुडिशरी से हो तब तो हो सकता है तहसीलदार आपके लिहाज कर देगा, लेकिन अभी तक ये होता रहा है कि बाकी किसी का लिहाज नहीं करते। अगर आपने पैसे दिए उधर तब आपके रजिस्ट्री के पेपर पे साइन होगा और फिर आगे जो उसको बोलते हैं चढ़ाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार दूसरे राज्यों में रसीद कटने की बात होती है, यहाँ इंतकाल बोलते हैं पंजाब में, कि इंतकाल होगा, वो फिलहाल 2-3 दिनों से रुका हुआ है और रजिस्ट्री नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा है, लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो नीचे जो सिस्टम है उसमें एक मैसेज है कि आप आम आदमी को करप्शन को लेकर परेशान नहीं करोगे, लेकिन एक कितना फिर सवाल ये उठता है कितना दिन सस्टेन करेंगे, कब तक सस्टेन करेगा, या तो 6 महीने साल भर सस्टेन करता है, लोगों को पैसे देने की आदत छूट जाए, नहीं तो लोग अब मान के चलते हैं भाई वहां जाना है जितना पैसा देना है, तो बहस भी नहीं करता, जाने से पहले ही जो सरकारी दफ्तर में जिसका जितना रेट फिक्स है उसको पकड़ा दिया जाता है पैसा, और वो कागज फिट होकर आता है। अगर वो पैसा नहीं पकड़ाएंगे तो तमाम, अगर आपके कागजात सही भी हैं तो आपको 10 ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो वो फिलहाल इन्होंने 2-3 दिनों भी हफ्ता हुआ है तो उसमें रुका है, और लेकिन अब ये होगा कि अब जैसे एक ट्रांसफर पोस्टिंग का सीजन आएगा, जैसे सामान्य रूप से जब सरकार बदलती है तो सरकार बदलने के बाद कलेक्टर भी बदले जाते हैं, SSP भी बदले जाते हैं, पुराने जो सरकार के चहेते होते हैं बदले जाते हैं, नए सरकार के कुछ चहेते होते हैं वो लगाए जाते हैं, कभी कभी जो पुरानी सरकार के चहेते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक ढूंढ लेते हैं नई सरकार में, और जो भी सिस्टम एक होता है लेन देन करके अच्छी प्लम पोस्टिंग लेते हैं। तो अब सवाल होता है कि आम आदमी पार्टी उसमें कौन सा रवैया अपनाती है, कि क्या ईमानदारी ही क्राइटेरिया होगा, जिले में प्रशासनिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा या वसूली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, ये कितना वसूली करता है कोई अधिकारी और कितना ऊपर तक देता है। तो ये अगर क्राइटेरिया में आम आदमी पार्टी सफल रहती है, मीन्स कि जिले बेचे नहीं जाए, जैसे कमिश्नरेट होता है, जैसे लुधियाना कमिश्नरेट सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नरेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पुलिस कमिश्नरेट का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री है बहुत, तो काफी वहां से पैसे का इनकम है। तो अब वो है कि जनरली ये कहा जाता है, कहा ये होता भी है कि वो कमिश्नरेट को बेचा जाता है, मतलब कि बताया जाता है कि 4-5 करोड़ रुपया उसका वार्षिक एनुअल उसका रेट है, जो फीस है ऊपर तक वहां लगने के लिए आपको इतना एनुअल देना है। तो क्या आम आदमी पार्टी बिना पैसा लिए और उस कमिश्नरेट पे कोई ईमानदार अफसर लगाती है, या वहां से पैसे लेके फिर किसी अधिकारी को लगाएगी, पुलिस वहां जो पुलिस महकमे है वहां पे जो सिविल प्रशासन जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें DC होता है, ADC होता है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे लगाएगी कि पैसे देके लगाएगी, ये सब अभी फ्यूचर की बात है, अगले 1 महीने में दिखेगा। देखिए अगर पैसे लेके लगाएगी तो भी नहीं छिपेगा, वो भी बात सामने आ जाएगी, क्योंकि जो अफसर पैसे देके लगेगा वो अगले दिन से शुरू भी हो जाएगा वहां, एकदम एकदम, और शुरू हो जाएगा तो उसका वीडियो भी बना लेगा, वीडियो बना के डाल भी देगा, और अगर वो डाल देगा और डालने के बाद कार्रवाई नहीं होती है अगर, तो मान के चलिए कि फिर पहुंच रहा है माल। तो ये एक देखने वाली बात होगी आके अगले 6 महीने में जो निचले लेवल पे प्रशासनिक अफसरों के तैनाती के दौरान अगर पैसा क्राइटेरिया नहीं होगा, ये एक नॉर्मल चीज हो गया है हर राज्य में कि पोस्टिंग के लिए आपको पैसा देना है, जिला में जाना है तो पैसा देना है, कोई बढ़िया बहुत जिला जाना है तो वहां पैसा का रेट वैसे ही बढ़ जाता है हर जगह पे, हर राज्य के अंदर कुछ बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ इंडस्ट्री होता है, जहाँ सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे तो रेट ज्यादा ही मतलब की जाते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है, ये खुले में होता है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये जो पोस्टिंग लेता है वो खलेआम बोलता जाता है कि हम देख के आए हैं तो हम तो लेंगे, अगर नीचे कोई उसको ईमानदारी की पाठ पढ़ाने की कोशिश करेगा कि भैया आप हमें देख के आप हमारा तो हक बनता है, तो कहता है यार हक क्या बनता है, हम वहां ऊपर देख के आए हैं, हम कौन सा अपने लिए अकेले मांग रहे हैं, ऊपर देख के आए तो कहीं तो वसूलेंगे। ये एक सिस्टम को अगर आम आदमी पार्टी रोकने में सफल होती है तो उसका इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा पड़ेगा वो पड़ोस के राज्य पे पड़ेगा। उस पे आता हूँ मैं इम्पैक्ट पे। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही कि फंड मैनेजमेंट करने के लिए उद्योग, अगर ये करप्शन सब नीचे बंद होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होगी, जिसके लिए उद्योगपतियों को टिकट दिए गए। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब लेफ्ट पार्टी का भी गढ़ रहा है, CPI, CPM और माले के भी बहुत वहां पे, ML के भी लोग वहां पे हैं। तो इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टीज ने भी आम आदमी को मदद की है,
तो ये जो जो अंतर्विरोध है, एक तरफ उद्योगपति, एक तरफ लेफ्ट पार्टीज, आम जनता, इसी के बीच से रास्ता निकालना एक चुनौती नहीं है? देखिए, चुनौती है, उसी को बैलेंस करना है। देखिए, जो मालवा बेल्ट पे, जहां पे आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा सफलता मिली है, वो शुरू से वहां पे लेफ्ट का एक सक्रिय धड़ा, मतलब कि सक्रियता लेफ्ट की रही है, अच्छा खासा समर्थन भी रहा है। पहले किसी जमाने में उनके वहां से सांसद भी चुन के आते थे, विधायक भी चुन के आते थे, और ठीक है सांसद विधायक नहीं है, उनके परसेंटेज जो वोट घट गए हैं, लेकिन गांवों में जो किसान हैं, बेशक वो लेफ्ट पार्टी को वोट ना दें, लेकिन लेफ्ट लीनिंग के हैं, कुछ किसान संगठन भी लेफ्ट लीनिंग के हैं, और आम आदमी पार्टी उस इलाके में बहुत ज्यादा वोट लेके गई है, और वो ग्रामीण इलाकों में इतना ज्यादा वोट लेके जाने का मतलब है कि वो जो बेशक वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन अगर लेफ्ट विचारधारा से अगर संबंधित लोगों के वोट के बिना इतना वोट लेने नहीं जा सकते। मालवा जो बेल्ट है वो शुरू से लेफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, चाहे वो विचारधारा के तौर पे आप लीजिए, वोट के तौर पे मत लीजिए, पार्टी के तौर पे ना लीजिए, सिर्फ विचारधारा के तौर पे लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी मानिए कि जो भगत सिंह को इन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने एक आइकन बनाया, तो भगत सिंह वहां के सिखों के भी आइकन है, तो लेफ्ट के भी एक बहुत बड़ा आइकन है अपने सोशलिस्ट विचारधारा के कारण। तो ये बड़ा सोच समझ के रणनीति के तहत इन्होंने भगत सिंह को वहां पे पढ़ाया था। तो ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन ये एक जरूर बात है कि आम आदमी पार्टी और जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट वोटर है, लेफ्ट वोटर को अगर ये मित्तल को टिकट दिया है, अरोड़ा को टिकट दिया है, उससे हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी है। वो निचले लेवल पे जो जनता की समस्या है, जो लेफ्ट लीनिंग का है, जो किसानों की जो समस्या है, किसानों का लेफ्ट, जो लेफ्ट किसान जो है, किसान संगठन जो लेफ्ट यूनियन के है, अगर उनकी समस्या को हल करने में सफल है, तो उनको इनसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। हाँ, उनको लेना देना तब हो जाएगा जब अरविंद केजरीवाल अदानी से मिलेंगे, तब ऑब्जेक्शन हो जाएगा, जैसे ममता बनर्जी मिली, क्योंकि पंजाब में अदानी विलेन है, पंजाब में अंबानी विलेन है। अगर ऐसे उद्योगपतियों के साथ जो अगर अरविंद केजरीवाल के सीधे संबंध नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के सीधे संबंध नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर केजरीवाल की पार्टी को पंजाब में परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। लेकिन केजरीवाल मुझे लगता है कि उसी उन्हीं उद्योगपतियों को अभी टारगेट कर रहे हैं जो बहुत बड़े कॉरपोरेट नहीं है, छोटे 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 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट वो है जो अगर देखिएगा केजरीवाल का वोट बैंक भी देखिएगा, या केजरीवाल के जो समर्थक वर्ग, जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, वही वर्ग है जो पिछले कई सालों से आरएसएस के साथ रहा है। इसलिए लोग कहते भी है कि आरएसएस की बी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केजरीवाल के जो ये जो समर्थन बढ़ा है, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर भी, जो बनिया कम्युनिटी पंजाब में से जनरली जो बनिया कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी ट्रेडिशनली ज्यादा कांग्रेस के साथ रही है, दो तीन बड़े शहर को छोड़ दें तो जो छोटे छोटे शहरों के जो व्यापारी तबका कांग्रेस के साथ रही है, लेकिन वो व्यापारी तबका भी इस बार केजरीवाल के साथ गया है। छोटे बड़े व्यापारियों को बहुत ज्यादा इससे लेना देना नहीं है कि केजरीवाल जो है आरएसएस क्या कर रही है, वो श्रद्धा भाव से डोनेट करता है, तो वो अगर केजरीवाल उनके इंटरेस्ट को वाच करता है, देखिए छोटे बनिया को इंटरेस्ट क्या होता है, व्यापारी का एक इंटरेस्ट होता है कि उसको थानेदार तंग न करे, उसको ईटीओ न तंग करे, अगर उस इंटरेस्ट को वाच कर लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो वो बाद में हरियाणा जैसे राज्य में आरएसएस के लिए चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि ये जो तबका है आरएसएस या बीजेपी को फंडिंग करता रहा है। तो अगर ये तबका अगर आम आदमी पार्टी की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा, तो ये भाजपा के लिए एक मतलब कि चैलेंज है, संकट है। तो ये बताइए कि लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित कितने एमएलए हैं पंजाब मिनिस्टर में? देखिए अभी तक तो मुझे ये पता चला था कि जो विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे हरपाल सिंह चीमा, जो अभी मंत्री भी हैं, भगवंत सिंह मान के बाद सीनियर मोस्ट हैं, उनकी राजनीतिक शुरुआत लेफ्ट लीनिंग से ही हुई। अच्छा। हाँ, वो जब स्टूडेंट टाइम में लेफ्ट लीनिंग के साथ ही जुड़े हुए थे। एक और किसी मंत्री के बारे में बताया जाता था कि वो लेफ्ट लीनिंग से ही उनकी शुरुआत हुई थी। बाकी जो मालवा बेल्ट में जो कई ऐसे विधायक हैं जो जिनकी शुरुआत एकदम नए नए जो है, वो कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पे राइट के साथ नहीं है, वैचारिक तौर पे उनकी लीनिंग जो है वो लेफ्ट के साथ है। और जब अगर भगत सिंह को अपना आइकॉन मान रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट विचारों को है, बेशक बहुत ज्यादा सोशलिज्म पढ़ा ना हो, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं उसकी तरफ ही जाती है, राइट की तरफ नहीं जाती। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा है जी, क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लिए जो है वो कोई रणनीति बना रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अगला टारगेट हरियाणा को ही कर रहे हैं,
और हरियाणा पे उन्होंने काफी ध्यान दिया है। हरियाणा में जो उनके जो दिल्ली से जो राज्यसभा के मेंबर हैं, दिल्ली से जो चुन के गए थे, वो हरियाणा में पिछले दो चार दिन में काफी एक्टिव नजर आए हैं। उसकी चिंता भाजपा को भी है। हरियाणा विधानसभा में बकायदा बहस के दौरान एक दो बार केजरीवाल आए, एक विधायक राम कुमार गौतम थे, उन्होंने खट्टर साहब को मतलब आगाह भी किया, वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी से हैं राम कुमार गौतम जी, उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा खतरा है, ध्यान रखिए खट्टर साहब, जनता का काम कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो वो बड़ा खतरनाक बनिया है, तो बनिया का काटा हुआ जिंदा नहीं बचता, ये शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा। इस पे आपत्ति भी जाहिर करी कुछ लोगों ने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर इस समय काफी एक्टिव है। हरियाणा में दो तीन तरह का फ्रस्ट्रेशन है। एक तो यूथ बड़े पैमाने पर बेरोजगार है। बिजली का जो मुद्दा दिल्ली के अंदर रहा पहले किसी जमाने में, उससे पहले किसी जगह, अभी पंजाब में भी बिजली का मुद्दा था, हरियाणा में भी बिजली महंगी है। तो ये मसला हरियाणा के अंदर ये बेसिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, किसानी का जो इशू है वो हरियाणा के अंदर है जो पंजाब के अंदर था, एमएसपी को लेकर या मंडियों को लेकर वो इशू है, तो वो इशू कहीं ना कहीं ये हरियाणा के अंदर भी इशू है। इसका निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल फायदा लेने की कोशिश करेंगे, और पंजाब में अगर इन्होंने 6 महीने 8 महीने परफॉर्म कर दिया तो उसका सीधा असर हरियाणा पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए आम आदमी की पीड़ा जो है वो पूरे देश में एक जैसा है। अब ये होता है कि उस पीड़ा को लोग कितना समझते हैं या अपने पड़ोस से कितना ग्रहण करते हैं। हरियाणा के लोग पंजाब से अफेक्ट हैं, ये इसके इस पीड़ा को हो सकता है कि हिमाचल के लोग भी थोड़ा सा उस परेशानी की तरफ, वो केजरीवाल की तरफ जा सकते हैं। हिमाचल में भी काफी इस समय आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी हुई है। तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, हमको लगता है आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी भी है कि बड़े राज्य में घुसने के पहले छोटे छोटे राज्यों में, इसीलिए गोवा भी गए थे, पंजाब में सफल हो गए। अगर पंजाब के बाद ये हिमाचल हरियाणा में भी थोड़ा सा अगर इनकी स्ट्रेटजी सफल होते नजर आ रही है तो ये बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने आप को यही मानती है, पंजाब में जैसे कांग्रेस मान रही थी ना, या अकाली दल मान रहा था कि कांग्रेस नहीं तो अकाली दल नहीं तो कांग्रेस, पंजाब में भी यही है कि हरियाणा में भी यही है कि कांग्रेस मान के चल रही है कि अगली बार अगर भाजपा नहीं आई तो हमें मुख्य अपोजिशन, तो 31-32 MLA कांग्रेस के पास है हरियाणा विधानसभा में, तो और कांग्रेस पहले ही सत्ता में भी नहीं है लंबे समय तक, तो वो जो है कि कांग्रेस को लगता है कि हम आ जाएंगे तो कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है कि केजरीवाल कहीं उनकी जगह ना ले जाए, तो ये एक बड़ी समस्या हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आएगी। एक अहम सवाल है और सबसे बड़ा सवाल जो पंजाब के सामने चुनौती थी, उड़ता पंजाब जी, उस पे कुछ सुगाहट है, क्या होगा? देखिए उसमें दो तरह की बातें हैं। देखिए ये जो अभी तक जो उड़ता पंजाब की समस्या है, इसमें इस समस्या को बढ़ाने में पॉलिटिकल जो मास्टर्स थे उनका बड़ा रोल था, पुलिस का इम्पोर्टेंट रोल था, ये सब कुछ मिले जुला खेल था, क्योंकि इसमें मोटी कमाई है, और पॉलिटिकल मास्टर्स किस लेवल पे इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि इसी से देखिए कि 5 साल से पुलिस की SIT की भी रिपोर्ट आ गई थी कि ये बंदे इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की एक स्पेशल रिपोर्ट थी बहुत पहले की कि ये MLA ये अफसर ड्रग स्मगलरों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इतना मंथली इससे आता है। ये सारी रिपोर्ट ऑलरेडी कागजों में आई हुई है, उसके बावजूद अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। अब जब लास्ट में जब ये सरकार चुनाव से पहले ड्रग के मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को इन्होंने गिरफ्तार किया था, सुखबीर सिंह बादल के फैमिली से हैं, उनके साले हैं, अब यह आम आदमी पार्टी के लिए यही चुनौती है कि जो ब्लेम अमरिंदर सिंह पे लगता रहा कि ड्रग स्मगलरों को पे कार्रवाई करने में उन्होंने कोताही बरती, उस पे ये कितनी तेजी से कितना सख्त एक्शन लेते हैं, और जो थाने इन्वॉल्व हैं, थाने बकायदा इन्वॉल्व हैं ड्रग बिचवाने में, जो पेडलर्स होते हैं वो थाने के प्रोटेक्शन में गांवों में जाके बेचते हैं। पंजाब में ये बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए भी पड़ा है कि उनको ये उम्मीद है कि ये जो ड्रग पेडलर है उन पे कार्रवाई करेगी, जो करप्ट पुलिस अधिकारी है जो पेडलरों को प्रोटेक्ट करते हैं, पेडलरों से जो विदेश के ड्रग स्मगलर और थाने मिलके काम करते हैं, ड्रग स्मगलर अकेला नहीं करता, तो उसपे थाने जो भ्रष्ट जो अधिकारी थाने वाले जो बिचवाने में शामिल है और जो पेडलर जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बिचवाने वाले हैं उस पर कितनी कार्रवाई होती है, ये एक देखने वाली बात होगी। उसके बाद पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कितना ड्रग को लेकर सफल रही है, और ये पुलिस अगर चाहेगी तो 6 महीने 8 महीने में उसका 5 महीने 6 महीने में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, अगर चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो वैसे ही गांव में बिकता रहेगा पंजाब के अंदर। चलिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर ये बेल्ट पूरा ले लें दिल्ली हरियाणा पंजाब, तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? बीजेपी के लिए खतरे की घंटी देखिए पंजाब में तो बीजेपी का आधार नहीं था, बीजेपी हरियाणा में आज तो पावर में है लगातार 10वां साल 2025 में
2024 में हरियाणा में लास्ट में चुनाव है, 2024 के लास्ट में है, तो हरियाणा विधानसभा पे भी, हरियाणा विधानसभा अगर अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखेगी 2024 में। अब अगर वहां पे केजरीवाल अगर उनको चैलेंज बनते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को चैलेंज है। दिल्ली में केजरीवाल तो चैलेंज अभी बने ही हुए हैं, ठीक है, लोकसभा वो हार गए थे पिछली बार 2019 में राष्ट्रवादी लहर में, लेकिन अब फिर जब पिछले 2-3 साल के काम के परफॉर्मेंस के बल पर अगर वोट मानेंगे और जनता स्वीकार करेगी तो सीधा नुकसान भाजपा को ही है। फिलहाल ये हमें नॉर्दर्न दो तीन छोटे राज्यों में ही आम आदमी पार्टी का खतरा नजर आ रहा है। 2024 तक मुझे ये अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं है जी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव, आप पंजाब पे विश्लेषण सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की रणनीति के बारे में सुन रहे थे कि खतरा कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को है ऐसा दिख रहा है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। जल्दी आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद।